हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब प्रॉड जी। दोस्तों, आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पे टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से बहुत ही अच्छी ओपनिंग आ रखी है। यहां पे अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो दोस्तों, यहां पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट रहने वाली है। अगर मैं बात करूं यहां पे 2022 पास आउट वाले एलिजिबल हैं। जी हां दोस्तों, यहां पे 2022 पास आउट वाले एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर सैलरी पैकेज की बात करूं तो यहां पे बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज रहने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल रहने वाले हैं। जॉब की जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, सारी चीजें वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जॉब की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा। जॉब की जो लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे क्लिक करते ही आप इस वाले पेज पे चले आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी सारी जो वैकेंसी आ रखी है, यहाँ पे एक्सपीरियंस वाली भी वैकेंसी है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रेशर्स वैकेंसी की। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले इलेक्ट्रिकल के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पे हम क्लिक करके इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स क्या रहने वाले, सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, एक्सपीरियंस जो है वो 00 ईयर दिया हुआ है। अगर मैं जॉब लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे बैंगलोर जमशेदपुर। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं नीचे रोल डिस्क्रिप्शन की, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, लिखा हुआ है वी मेक द इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशन वर्क एवरी डे, वी वर्क टू इम्प्रूव पीपल लिव्स एंड द एनवायरमेंट बाय मेकिंग पावर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी दैट आर मोर रिलायबल, इफिशियंट, सेफ एंड सस्टेनेबल। दोस्तों, यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कौन कौन ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते, तो यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले के लिए ये पोस्ट है। 60% क्राइटेरिया मांगी गई है दोस्तों, नो एक्टिव बैकलॉग, एक ईयर की आपकी गैप अलाउ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैच, तो दोस्तों यहाँ पे 2021 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव ए अंडर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन। स्किल्स की बात करूं, जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं वो स्किल्स यहाँ पे रहने वाली है। इंजीनियरिंग नॉलेज ऑफ डिफाइंड कंपोनेंट्स, सिस्टम डिजाइन, फंक्शन, परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट। दोस्तों, यहाँ पे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी मांगी गई है। दोस्तों, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट जॉब की, तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जॉब जो रहने वाली है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की रहने वाली है, लेकिन ये दूसरे ब्रांच के लिए रहने वाली है, लाइक यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की रोल्स डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनालाइज द नीड्स ऑफ इंटरनल कस्टमर टू डिटरमाइन सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम प्लान, कंडक्ट सिस्टम इवेल्युएशंस एंड मेक एप्रोप्रिएट। दोस्तों, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो आप पढ़ लीजिएगा। रिक्वायरमेंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं। 60% क्राइटेरिया मांगी गई है, बैच वही रहने वाला है 2021 से 22 वाले। अगर मैं स्किल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियरिंग नॉलेज ऑफ डिफाइंड कंपोनेंट्स लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो उससे पहले मैंने बताया था वो वाली ही सेम चीजें यहाँ पे है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जॉब की, तो नेक्स्ट जॉब भी सेम रहने वाली है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी CSIT वालों के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है, तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, लिखा हुआ है यू आर अप्लाइंग फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी CSIT जॉब के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे फुल नेम आप अपना डाल दीजिएगा, ईमेल ID, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे अगर नोटिस पीरियड की, आप कितने दिन में अवेलेबल हो सकते हैं, यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड कर लीजिएगा, जो कि उससे सारी चीजें डिटेल वो ले लेगा कंपनी। यहाँ पे करंट सिटी आपको डालना है, फिर यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी है वहां पे एग्री करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।